इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोफोलियो। प्रोफोलियो हमारे साथ बायोफार्मा यानी कि लेवल फार्मा का प्रोडक्ट है और ये आपको इंटरनेशनली किसी भी मुल्क में किसी भी फार्मेसी में फेमस फार्मेसी में आपको मिल सकता है। इसका जेनेरिक नेम की हम बात कर ले तो इसमें प्रोफोफोल यूज़ हुआ है। प्रोफोफोल के यूजेस ये है कि ये एक एनेस्थीजिया के एजेंट है, यानी कि ये हम पेशेंट को सेडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जिस पेशेंट की सर्जरीज वगैरह या कोई और प्रोसीजर होता है तो हम उसको सेडेट करवाने के लिए इस मेडिकेशन को यूज़ करते हैं। इसके डोज की बात कर ले तो ये हमारे साथ 10 mg/ml की डोज से आती है। 1 ml में इसकी 10 mg की डोज होती है। ये एनेस्थीजिया की इंडक्शन के लिए भी यूज होता है, साथ में एनेस्थीजिया की मेंटेनेंस के लिए भी यूज होता है। इंडक्शन का मतलब ये है कि सेडेशन को कास्ट करना, पहले से एनेस्थीजिया पेशेंट में नहीं है, वो सेडेट नहीं है, लेकिन हम उसको एनेस्थीजिया स्टार्ट करवा रहे हैं तो इसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और इंडक्शन डोज हमारे साथ है 2 से लेकर 2.5 mg/kg के लिहाज से देते हैं। मेंटेनेंस डोज की बात कर ले कि उस एनेस्थीजिया को हम मेंटेन रखने के लिए इसको 0.1 से 0.2 mg/kg के हिसाब से देते हैं। अब देखें यहाँ पर ये एक डोज जो है बहुत ही कम डोज है, तो ये अपने तरफ से ये मेडिकेशन यूज नहीं करनी, बल्कि एनेस्थीजियोलॉजिस्ट या डॉक्टर ही आपको ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा और वो आपको ही बताएगा। साथ में अगर इस डोज को आप ज्यादा या कम करते हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी आ सकती है, जिसमें हमारे साथ हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, हार्ट रेट का डिस्टर्ब हो जाना, कभी ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट का कम हो जाना, कभी हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना, इसके वाले लिहाज से आपको ब्रीथिंग में मसला आ सकता है, आपको सांस लेने में दुश्वारी आ सकती है, इसके साथ साथ आपके स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, इंजेक्शन साइट पर बर्निंग हो सकते हैं और इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की आपको साइड इफेक्ट सामने आ सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर ले तो ये मेडिकेशन जो हाइपर सेंसिटिव लोग हैं, जिसको एलर्जीज है, चाहे वो फूड से है, चाहे वो फ्लावर से है, चाहे किसी भी चीज़ से एलर्जीज है, तो इनके उन पेशेंट्स के लिए ये मेडिकेशन बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कि उनके उनमें एनाफाइलेटिक शॉक कास्ट कर सकता है, यानी उनको सीवियर कंडीशन आ सकती है, उनकी ब्लड प्रेशर डाउन हो सकती है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन का मसला आ सकता है और ये एनाफाइलेटिक शॉक मोहलक भी होती है। प्रेगनेंसी में भी आप मेडिकेशन आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉपर स्टडी शामिल नहीं हुई अभी तक कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है, तो इस मेडिकेशन को यूज़ करने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर लें और उसके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ये मेडिकेशन इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।